हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से हार्दिक स्वागत है आपका हमारी SGS टीम पर। जो लोग भी लाइव आ चुके हैं सभी का स्वागत है एंड गुड आफ्टरनून सभी को। कुमार जी गुड आफ्टरनून, राधेश्याम जी गुड आफ्टरनून, भरत जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून एंड हार्दिक स्वागत है आपका हमारी SGS टीम पर। जो लोग लाइव आ चुके हैं जल्दी से अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़ सकें। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस परीक्षा के नज़रिए से जो भी आपके आने वाले एग्जाम में हैं। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी SGS टीम आप लोग के लिए लेकर के आती है जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी जल्दी से लाइव आ जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, लिंक को शेयर करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और यहाँ पर आकर के क्विज क्वेश्चंस देख सकें। और हम यहाँ पर वीडियो भी अपलोड करते हैं तो आप लोग चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। गुड आफ्टरनून निक्की जी एंड हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सभी देखेंगे अपनी स्क्रीन पर और जिन लोगों को राइट आंसर पता है वो लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, चार ऑप्शन आप सभी को दे रखा है। क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शायरी में निर्मित हुआ, चार ऑप्शन आप सभी के सामने, बताइए वो कौन सा मकबरा था। आनंद जी गुड आफ्टरनून, हार्दिक स्वागत है आपका हमारी SGS टीम पर। बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, हुमायूं का मकबरा, मेलबर्न का मकबरा, ऐबक का मकबरा या फिर अलाउद्दीन का मकबरा। जो आपको राइट लगता है जल्दी आंसर दीजिए। हिमांशु जी ने आंसर ए बता दिया है, राधेश्याम जी ने ए बताया, भरत जी ने आंसर ए बताया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है कि बलबन का मकबरा इसका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है, सभी याद रखेंगे, ठीक है, बलबन का मकबरा। ये ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, जो मेलबर्न हो गया है ये आपका बलबन का मकबरा होगा, ठीक है। बलबन का मकबरा भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला जो मकबरा था वो सुल्तान बलबन का मकबरा था और ये जो है दिल्ली में किला राय पिथौरा के पास बनाया गया था, ये आप सभी को याद रखना है। और ये जो है बलबन ने खुद बनवाया था और वो उनका खुद का ही मकबरा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू, और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे कुमार जी, सबसे पहले आप क्लास में आए थे, बहुत अच्छे एंड हार्दिक स्वागत है आपका। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण कराया, चार ऑप्शन आप सभी के सामने। निक्की जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, आनंद जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, मुलायम जी ने आंसर ए बता दिया है। वेरी गुड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को याद रखना है। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी मंजिल बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सभी बताइए निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। मुलायम जी का आंसर सबसे पहले यहां पर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे हिमांशु जी, कमेंट्स डिलीट ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जो आपको राइट लगता है वो आप आंसर दीजिए, कमेंट डिलीट करके क्या होगा। राधेश्याम जी ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, रविंद्र जी ने आंसर डी बताया है, भरत जी ने आंसर बी बता दिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोहन जोदड़ो, आप सभी को याद रखना है, ठीक है, मोहन जोदो जिन्होंने भी डी बताया यहाँ पर उनका बिल्कुल राइट आंसर है। राहुल जी का आंसर यहाँ पर था बी। चलिए हार्दिक स्वागत है राहुल जी आपका हमारी SGS टीम पर। क्वेश्चन नंबर फोर आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया, अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू। आनंद जी का आंसर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, राधेश्याम जी ने आंसर ए बता दिया है, मुलायम जी ने आंसर सी बता दिया, टॉप थ्री के आंसर आ चुके हैं और राइट आंसर है फारसी, जिन्होंने आंसर सी बताया मुलायम जी और यहाँ पर आनंद जी का आंसर सी था, हिमांशु जी का भी आंसर सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में फारसी साहित्य का विकास कब शुरू हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये विकास इसका जो शुरू हुआ था वो मुस्लिम विजेताओं के आगमन से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर का फारसी बिल्कुल राइट आंसर है एंड चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फाइव आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो आपको राइट लगता है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फाइव आ चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दस्तार बंधन कौन कहलाते थे,
सूफी संत खान मलिक उमेला, चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और यहाँ पर आनंद जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, कुमार जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, राधेश्याम जी ऑप्शन बी बता रहे हैं, और रविंद्र जी कह रहे हैं मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं रविंद्र जी, राइट आंसर को आपको हम यहाँ पर बताएंगे। भरत जी ने आंसर डी बताया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, उमेला। ठीक है, सभी को याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन जो राइट होगा वो उमेला बिल्कुल राइट आंसर होगा। दस्तार बंधन कौन कहलाते हैं? उमेला कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा की, बाल विवाह की, जौहर प्रथा की, या फिर इनमें से कोई नहीं? आनंद जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर को, जौहर प्रथा। वेरी गुड। और बताइए जिन लोगों को राइट आंसर पता है, मुलायम जी ने आंसर ए बताया है। वेरी गुड। भरत जी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा यानी कि राजपूत जो है वो पुरुषों, राजपूत के जो पुरुष होते थे वो युद्ध में मर जाते थे, तो उनके मरने के बाद जो सारी स्त्रियां होती थी वो सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि राजपूत जो है पुरुषों के मरने के बाद स्त्रियों पर मुसलमानों का आक्रमण ना हो तो मुस्लिम आक्रमणियों का से रक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए ये प्रथा का प्रचलन किया गया था जिसमें कि सती हो जाया करती थी महिलाएं। अगला क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेवन, सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, 13वीं 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, गेहूं की, जौ की, चना की, या फिर मक्का की। क्वेश्चन नंबर सेवन, जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। राहुल जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गेहूं की खेती नहीं करता था, कुमार जी ने कहा है सी, भरत जी कह रहे हैं सी, मुलायम जी कह रहे हैं डी। इसका जो राइट आंसर होगा मक्का, बिल्कुल राइट आंसर होगा मक्का की खेती 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक नहीं करते थे। एंड क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जौनपुर नगर नामांकित की स्मृति में स्थापित किया गया, गयासुद्दीन तुगलक की स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, या फिर फिरोज शाह स्मृति में, या फिर अकबर के स्मृति में। निक्की जी कह रही है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, राधेश्याम जी ने बी बताया है, कुमार जी ने बी बताया है, राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। आप सभी को याद रखना है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे। वेरी गुड, कुमार जी का आंसर आ चुका है वाराणसी, बहुत अच्छे। मुलायम जी ने आंसर सी बताया है यहाँ पर, वाराणसी। आनंद जी कह रहे हैं सी राइट होगा, रविंद्र जी ने डी आंसर बताया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा जौनपुर, सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैन उल आबेदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह शर्की, या फिर अकबर। और राइट आंसर यहां पर सभी दे रहे हैं, राइट आंसर होगा जैन उल आबेदीन, सभी को याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट है, जैन उल आबेदीन को धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने कश्मीर में जजिया कर हटा लिया और साथ ही हिंदू के टूटे हुए मंदिरों के पुनर्निर्माण और गायों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोड़ाओं के समानता, फारसी शैली। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। केवल एक सही है, केवल एक, दो और तीन, या फिर एक और तीन, या फिर दो और तीन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और यहाँ पर कुमार जी ने आंसर यहाँ पर बी बताया है, आनंद जी ने आंसर ऑप्शन बी बताया है, रविंद्र जी ने आंसर बी बताया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सभी को याद रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कृष्णा जी हार्दिक स्वागत है आपका हमारी एजेस टीम पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सभी बताएंगे गुजरी महल किसने बनाया था।
सभी जल्दी बताइए, गुजरी महल किसने बताया था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, जो आपको राइट लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा होगा? कृष्णा जी ने, आनंद जी ने आंसर बता दिया ऑप्शन नंबर सी, कुमार जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, मुलायम जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मान सिंह ने, ठीक है, गुजरी महल को राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में ये एक अद्भुत नमूना है, इस पर अकबरकालीन शैलियों की सुंदर छाप पड़ी है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जो आपको राइट लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? कुमार जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आनंद जी ने आंसर सी बताया है, वेरी गुड, और यहां पर शेखर जी का हार्दिक स्वागत है, इन्होंने आंसर ऑप्शन सी बताया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा? जो आपको राइट लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर कौन सा। कुमार जी का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर सी, राधेश्याम जी ने भी बताया, अंजलि जी ने भी बताया, हार्दिक स्वागत है अंजलि जी आपका हमारी टीम पर, मुलायम जी ने सी बताया, कृष्णा जी ने यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए बताया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलवर संतों द्वारा, ठीक है, सभी को याद रखना है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या फिर चैतन्य का? जो आपको राइट लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। रविंद्र जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए कबीर का, राधेश्याम जी ने डी बताया है, भरत जी ने डी बताया, अंजलि जी ने ए बताया, मुलायम जी ने ए बताया है, कुमार जी ने आंसर डी बताया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा रामानंद का है ये कथन, सभी को याद रखना है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रामानंद के शिष्य में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रामानंद, यहाँ पर कुमार जी ने आंसर बी बताया था, वेरी गुड, और जिन लोगों का भी था बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, बताइए किसने बनाया था। अंजलि जी कह रही है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राधेश्याम जी ने आंसर ए बताया, कुमार जी ने आंसर इसका बी बताया है, वेरी गुड, कृष्णा जी ने आंसर डी बताया है, बिल्कुल राइट आंसर इसका शंकर देव होगा, ठीक है, यहाँ पर शंकर देव बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जिनका रॉन्ग हुआ है वो भी याद रख के चलेंगे, नेक्स्ट टाइम से आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया? चार ऑप्शन सभी के सामने, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राधेश्याम जी ने ऑप्शन नंबर डी बता दिया है, बहुत अच्छे, जिन लोगों को भी राइट आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। अंजलि जी ने सी बताया, आनंद जी ने यहाँ पर ऑप्शन बी बताया, कुमार जी ने डी बताया, राइट आंसर यहाँ पर शंकर देव होगा, ठीक है, आप सभी को याद रखना है, शंकर देव ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर, जिन्होंने अदर बताया है वो भी याद रख के चलेंगे, बिल्कुल राधेश्याम जी का, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जो आपको राइट लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आनंद जी ने आंसर यहाँ पर सी बताया है, वेरी गुड, मुलायम जी का आंसर सी आ चुका है, कृष्णा जी ने आंसर ए बताया है, कुमार जी ने आंसर बी बताया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हुडो द्वारा, ठीक है, सभी याद रख के चलेंगे, हुडो द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। भरत जी ने आंसर सी बताया, मुलायम जी ने सी बताया, राधेश्याम जी ने सी बताया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है, सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कालिदास किसके राजकवि थे?
क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है, कालिदास किसके राजकवि थे? जो आपको राइट लगता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर इन्वाइट कीजिए। जो हमसे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। राधेश्याम जी ने आंसर सी बता दिया है, कृष्णा जी ने ए बताया, मुलायम जी ने सी बताया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, सभी को याद रखना है कालिदास किसके कवि थे, तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या फिर ताम्रलिप्ति में? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। संजीव जी हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस टीम पर। ऑप्शन नंबर बी इन्होंने बताया जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनंद जी का भी आंसर बी था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है, सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नमस्ते संजीव जी, क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है, बताइए भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आनंद जी ने आंसर सी बता दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? निक्की जी कह रहे हैं ऑप्शन सी राइट होगा, अंजलि जी ने डी बताया, कुमार जी ने सी बताया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत चक्रवर्ती, सभी को याद रखना है। ठीक है, भारत चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे और बताएंगे कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार, संजीव जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, सभी को बताना है। राधेश्याम जी का आंसर बी आ चुका है, निक्की जी ने बी बताया, मुलायम जी ने बी बताया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार की मीनार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबा समय तक स्थापित रहा? पाल वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर सेन, जो आपको राइट लग रहा है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा? निक्की जी भी बता रही है, अंजलि जी भी बता रही है, मुलायम जी ने आंसर बी बताया, आनंद जी ने बी बताया, राधेश्याम जी ने आंसर बी बताया है, सॉरी राधेश्याम जी ने आंसर सी बताया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आर्यों की भाषा कौन सी थी? हिंदी, बांग्ली, पंजाबी या फिर संस्कृत? जो आपको राइट लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नरेंद्र जी ने आंसर सी बता दिया है, मुलायम जी ने डी बताया, आनंद जी ने डी बताया, निक्की जी ने डी बताया, राधेश्याम जी ने ए बताया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संस्कृत। ठीक है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी आर्यों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है, ब्रह्म सूत्र पर किसने एक टिप्पणी लिखा था जिसमें शारीकाला का खंडन किया गया था और साथ ही आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी? निब्बार्क, रामानुज, माधव या फिर वल्लभाचार्य? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और राहुल जी ने आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया है, बहुत अच्छे। संजीव जी ने बी बताया, अंजलि जी ने ए बताया, नरेंद्र जी ने सी बताया है और महेंद्र जी हार्दिक स्वागत है आपका हमारी इस टीम पर, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया, राहुल जी ने डी बताया है। राइट आंसर आप सभी को याद रखना है रामानुज, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी निक्की जी ने बताया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। संजीव जी का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे और बताएंगे कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसकी कविता को सुर सागर साहित्य रत्न और सुर स्वरावली में संकलित किया गया था? महेंद्र जी का आंसर ऑप्शन ए आ चुका है, भरत जी का ए आ चुका है, राहुल जी का डी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, सभी को जल्दी जल्दी से आंसर करके बताना है। निक्की जी ने आंसर सी बताया, मुलायम जी ने ए बताया, पारुल जी वेलकम टू स्टडी दिमाग से, उन्होंने आंसर ए बताया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरदास। ठीक है, सभी को याद रखना है सूरदास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता था?
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। आनंद जी का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर डी, मुलायम जी ने डी बताया, अंजलि जी ने सी बताया, भरत जी ने ए बताया, निक्की जी ने आंसर डी बताया। राइट आंसर चैतन्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है, चैतन्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित भारतीय दार्शनिक में से कौन वर्धमान महावीर के पहले शिष्य थे। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, जो आपको राइट लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। जो आपको करेक्ट लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, 29 क्वेश्चन है, अंजलि जी ने ए बताया, पारुल जी ने सी बताया है, सभी के ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। मैं बताना चाहूंगी जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट आंसर हो गए, सभी को याद रखना है। ठीक है, मखखली गोशाला आजीविक विधर्मिक दर्शन स्कूल के समर्थक थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो जो है धर्ममान महावीर के पहले शिष्य थे और उनके अनुसार ब्राह्मण की हर वस्तु भाग्य और भाग्य के साथ समन्वित थी। ठीक है, सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र में अज्ञेयवाद का समर्थक था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, जो आपको राइट लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। मुलायम जी ने आंसर ए बताया है, वेरी गुड। आनंद जी ने आंसर सी बताया है, राधेश्याम जी ने आंसर सी बताया, अंजलि जी ने आंसर बी बताया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संजय बेलाथी पुत्र, बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, एंड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बिंदुसार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधर्मिक भारतीय दर्शन बहुत लोकप्रिय था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आनंद जी ने बी बता दिया है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इन चारों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भरत जी, आनंद जी ने ऑप्शन नंबर बी बताया, बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना, आजीविका। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना समय दिया हमारी SGS टीम को। मिलते हैं अगली क्लास में, रात को 10 बजे आइएगा ज़रूर और करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। एंड थैंक यू सो मच, देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से।